In this module, we are going to study the consumer behavior preferences ordering property non satiation. This property is basically shows the relationship between the quantities of the goods or the services that a consumer is going to prefer in one bundle and its place in the preference ordering. It means कंज्यूमर जो बहुत सारी अशिया को प्रेफर कर रहा होता है वो उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप तय करता है और उसी रिलेशनशिप की बेस पे ही हम शेय को दूसरे के ऊपर में लेके जा सकते हैं तो उसमें वो जो उसकी पोजीशनिंग बनाता है उसको अगर हम देखें तो वो किसको बेटर करता है किसको वर्स करता है उस फॉर्म में अगर हम देखें तो उसको हम कहेंगे कि यह नॉन सैटन में होगा और दूसरे अल्फाज में एक चीज़ और होगी तो वो ये है कि जो कंज्यूमर है वो कभी भी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता अगर हम ये नहीं कह सकते कि जो अशिया को वो ले रहा है वो उसके ज़रिए अपनी जो उसकी डिजायर या तलब या डिमांड है वो मुकम्मल नहीं होती वो ज़रूर उस टाइम फ्रेम में हो जाती है लेकिन उससे ज़्यादा की अमाउंट के लिए वो हमेशा से तलबगार रहता है तो अगर हम इन अदर वर्ड्स इसको कहें कि जो नॉन सैचन का मतलब है कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अशिया का तलब गार रहेगा वो अगर कुछ क्वांटिटी आज ले रहा है वो उसकी सेटिसफेक्शन है लेकिन वो हमेशा चाहेगा कि अगर ये मुझे इससे और ज़्यादा मिल जाती तो और अच्छा था फिर मुझे उससे और ज़्यादा मिल जाती तो और ज़्यादा बेहतर था तो ये हमेशा से देखें तो हमारे कंज्यूमर की एक नेचुरल जो डिज़ायरेबिलिटी है ये उसको एक्सप्रेस करता है और अगर इसी प्रॉपर्टी को हम देखें तो ये जो हमारे गुड्स के दरमियान ऑर्डरिंग का रिलेशनशिप है ये उसको एक्सप्रेस करते हैं और उस नॉन सेटिएशन में अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर के सामने दो बंडल ऐसे होंगे जिसमें एक में अशिया कम होंगी और दूसरे में अशिया ज़्यादा हो जाए और ये दो बंडल्स होंगे तो वो हमेशा जिस बंडल में क्वांटिटी ज़्यादा है वो उसको ज़्यादा हायर वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ अटैच करेगा और इसीलिए जिसमें ज़्यादा अशिया होंगी वो उसको हमेशा प्रेफर करेगा उस बंडल पे जिसमें अशिया कम होंगी और अगर प्रेफरेंस नहीं दे सकता तो हम अगर उस पर कहते हैं कि अगर वो मोर ऑफ लीस्ट वन गुड और नो लेस ऑफ एनी तो वो एट लीस्ट तो हम कहेंगे कि वो या उसको लीस्ट प्रेफरेंस देगा और अगर वो प्रेफरेंस नहीं देगा तो वो एटलीस्ट उसको उसके दरमियान पे इक्वल ज़रूर करेगा उससे उसको लेस नहीं करेगा और इसका मतलब यह है कि बहुत सारी अशिया जो मार्केट में हम देखते हैं प्रेफरेंस के हवाले से हम ज़रूर कह सकते हैं कि कंज्यूमर ने इसको बेटर कहा है और कंज्यूमर ने इसको रिजेक्ट किया है लेकिन कोई भी कमोडिटी को जो टैग है हम ये नहीं कह सकते कि ये कमोडिटी बैड हो सकती है अब अगर हम दूसरे फॉर्म में कहें कि कोई भी कमोडिटी जो मार्केट में मौजूद है वो एक कंज्यूमर के लिए हो सकता है उसके लिए वो बहुत प्रेफर्ड हो और दूसरे के लिए वो नॉन प्रेफर्ड हो तो जिसके लिए नॉन प्रेफर्ड है वो उसको बैड इम्पैक्ट जरूर दे रहा है लेकिन दैट गुड इज़ नॉट बैड ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक कुछ लोगों की पसंद हो सकता है लेकिन उसी तरीके से जो साथ वाले हमसाए के घर में अगर कोई मरीज है तो वही म्यूज़िक जो बहुत ज़्यादा वो उसको बहुत ज़्यादा नॉइज़ की फॉर्म में देख रहा होगा या हो सकता है उसके लिए वो सर दर्द का बायस बन रहा हो लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बैड हम उसको लॉजिकली कह सकते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नो कमोडिटी इज़ एनी जिसको हम बैड कह सकें तो कहीं ना कहीं हर कमोडिटी की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मौजूद है और उसी की बेस पे कंज्यूमर उसको सेलेक्ट कर रहा है तो जो सेटिएशन के वे में अगर हम देखें तो वो अटैच्ड वैल्यू में से जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो उसको हमेशा ज़्यादा प्रेफर कर रहा होगा अब अगर इसी में देखें तो जो एक ग्राफ हम एक ड्रा कर रहे हैं उस ग्राफ के तहत अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ड्रा किया है कि ये हमारी एक कमोडिटी है और इधर हमने दूसरी कमोडिटी को ड्रा की है जो इस फॉर्म में हमारी जल रही है अब हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों कमोडिटीज का वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसके ऊपर हम जाके कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर दोनों कमोडिटीज का वो पॉइंट आ गया जो कि उसने कम्बिनेशन परचेज कर लिया या वो बंडल जो उसने प्रेफर कर लिया अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो हमने एक ये इनडिफ्रेंस कर्व ड्रा किया है ए बी सी की तरह उसको मूव करता हमारा लेकिन अब इसमें हमने बी पॉइंट को इस जगह पे जाके शो किया है अब अगर हम यहाँ से बात करें तो एक रेंज हमारे पास ये इनडिफ्रेंस कर्व की बन गई जिसके ऊपर हमारे कम्बिनेशन हैं एक्स वन और एक्स टू के एक एक्स वन एक्स टू का कम्बिनेशन यहाँ हो सकता है दूसरा यहाँ हो सकता है तीसरा यहाँ हो सकता है उसी तरीके से ये वेरियस कम्बिनेशन है और उस कम्बिनेशन में से अब यहाँ पे जो चीज़ एक मिसिंग है वो है हमारी एक हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ जिसको अगर हम कहें कि बजट लाइन तो चूँकि बजट लाइन अगर हम देखें तो सिर्फ इस पॉइंट पर टेंजेंट हुई है तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था अब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो हमारा ये ब्लॉक बन रहा है या वो अगर हम देखें तो जितनी भी पॉइंट्स ऑफ इंडिफरेंस सेट के हैं वो हमेशा हम देखें तो वो हमारे इस ए और सी की लेफ्ट पर हैं तो ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे इधर पाई जाती हैं और उसी तरीके से जो अगर हम देखें तो एक हमारा पॉइंट बी है वो यहाँ से हमारे राइट right साइड पर पाया जाता है अब अगर हम देखें तो पॉइंट बी इस वक्त कंज्यूमर के आउट ऑफ रीच है और लेकिन अगर मैं एक हाइपोथेटिकल कर्व ड्रा करूं कि ये माइट बी कि वो कभी परचेज करना चाहे तो अगर हम देखें तो ये हाइपोथेटिकल जो कर्व मैंने एक इंडिफरेंस कर्व कह लें या कंजम्पशन बंडल का ड्रा किया तो उसके तहत दिस बी इज़ प्रेफर्ड टू ए एंड सी क्योंकि ये उससे हायर लेवल पर मौजूद है लेकिन चूंकि ये अभी उसकी रेंज या उसके बजट में नहीं है तो ये राइट right साइड वाली जो प्लेसिंग है ये हमेशा हमारी प्रेफर्ड में आएगी और ये भी नॉन सेटिएशन इस फॉर्म में है कि ये चीज़ें उसने परचेज कर ली हैं और यहाँ तक वो सेटिस्फाइड है लेकिन चूंकि कंज्यूमर इज हैविंग द मोर विशफुल थिंकिंग टू अटेन दिस बी कमोडिटी जिसको माइट भी कि वो फ्यूचर में कहीं लेना चाहे या परचेज़ तो ये उसकी नॉन सेटिएशन को शो करेगा और वो चीज़ें जो वो ऑलरेडी अटेन कर चुका है जो ये सारी की सारी मौजूद हैं ये उसके पास अटेन्ड बंडल है और जो ये वाला है ये सारे का सारा उसका नॉन सेटिएशन की वजह से इन द फ्यूचर के लिए अगर हम कहें तो ये उसका विश्ड या उसका वो बंडल है जो उसको नॉन सैटिएशन दे रहा है और इसी में अगर हम देखें तो ये इस बंडल को अलावा भी अगर हम इसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी देखते जाएं तो अगर वो इस एक पॉइंट के ऊपर कमोडिटी को ले रहा है एक्स वन और एक्स टू को और अब अगर वो ज़्यादा एक्स वन लेना चाहता है मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर रही हूँ परपेंडिकुलरली तो यहाँ तक उसका उस वक़्त एक्स वन ली है अब अगर उसने एक्स वन की मज़ीद कमोडिटी को लेना है तो उसको डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए इस पॉइंट पे आने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ से एक्स टू की कमोडिटी इतनी थी जिसको उसको लीव करते हुए इस तक आना पड़ा तो अगर देखें तो इतनी कमोडिटी ऑफ एक्स टू को सक्रीफाइस किया कंज्यूमर ने तो उसने यहाँ से यहाँ तक कि एक्स वन कमोडिटी को मज़ीद हासिल किया तो अगर हम देखें तो ये नॉन सेटिएशन का जो एजम्पन है ये हमारी मूवमेंट को शो करता है कंज्यूमर की फ्रॉम वन कम्बीशन टू अदर और साथ साथ ये कहता है कि ये उसको सब्सिट्यूशन देता है अपने कंजम्पशन बंडल्स की कि अगर वो किसी और शेयर को ज़्यादा हासिल करना चाहता है तो ही शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एट लीस्ट दैट थिंग जो कि उसके हाथ में ऑलरेडी मौजूद है तो इसी हवाले से जो हमारी प्रॉपर्टी एक इंडिफरेंस कर्व की आती है तो हम कहते हैं कि जो इंडिफरेंस का सेट है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है ये उससे बहुत वाइडर नहीं हो सकता तो अगर हम इस सेट की बात करें तो ये हमने सिर्फ इसी पॉइंट्स के ऊपर कम्बिनेशन को शो किया अगर वाइडर की बात मैं कहूँ हम इसको इस फॉर्म में इतना वाइडर नहीं शो कर सकते क्योंकि फिर इसमें इसके वेरियस कम्बीनेशन भी हमें और नज़र आ जाते हैं और इसी तरीके से हम इसलिए कहें तो ये ज़्यादा ठीक कर फॉर्म में नहीं हो सकता और इसलिए इसकी जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमने उसको या ग्राफिकल में दिखाना हो तो हम उसको एक सिंगल पॉइंट से हमेशा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि या ये कम्बिनेशन इस पॉइंट पे है या ये कम्बिनेशन इस पॉइंट पे है या ये कम्बिनेशन इस पॉइंट पे है तो इसीलिए क्योंकि वो हमारी डिफरेंट क्वान्टिटीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ कंजम्पशन और इंडिफ्रेंस कर्व को भी अगर हम देखें तो वो इसी पॉइंट के जरिए एक्सप्रेस होती हैं और अलोंग विद दैट कंज़म्पशन कर जो मूवमेंट है जो कि सब्सिट्यूशन के, के जरिए पॉसिबल होती है तो वो जो ट्रेडिंग ऑफ है बिटवीन द गुड्स और द ट्रेडिंग ऑफ है बिटवीन द बंडल्स वो हमारी इस प्रॉपर्टी के जरिए एक्सप्रेस होती हैं थैंक